हेलो दोस्तों, मैं हूं प्रवीर और आप देख रहे हैं टेक एंड टेक्निक्स। आज के इस वीडियो में हम जानने वाले हैं आपके डीजे या फिर लाइव सेटअप के लिए कौन सा बेस कैबिनेट परफेक्ट है, कौन सा डीजे के लिए अच्छा है और कौन सा लाइव सेटअप के लिए अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को और बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको मिल सके हमारी नोटिफिकेशन सबसे पहले, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। लाइव सेटअप में क्या होता है, वो उसी वक्त डिजाइन किया जाता है साउंड को, उसका जो मिक्सिंग होता है वो उसी समय होता है। लेकिन डीजे में क्या होता है, वो ऑलरेडी वो सॉन्ग जो है या फिर वो बीट है वो बना हुआ है, लेकिन आप उसको थोड़ा बहुत मिक्सिंग करते हैं। लेकिन लाइव सेटअप में वो उसी समय वो वाला साउंड प्रोड्यूस होता है। डीजे में वो वाला जो साउंड ट्रैक है वो ऑलरेडी मास्टरिंग हुआ होता है, उसके ऊपर आप थोड़ा बहुत हेरफेर करते हैं। लेकिन लाइव सेटअप में कभी कभी क्या होता है, कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट जो है वो थोड़ा सा ओवर आ जाता है या फिर कम होता है, इस तरह से चलता है। वो एक्चुअल में जो मिक्सिंग इंजीनियर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना होता है। और लाइव सेटअप में अगर आप एक बेस रखते हैं वो थोड़ा सा खुल के साउंड आने जैसा लगता है, लेकिन डीजे में क्या होता है, वो वाला जो लो फ्रिक्वेंसी होता है वो थोड़ा सा ज़्यादा वाइब्रेटेड होता है। इसका क्या इफ़ेक्ट होता है लाइव साउंड में, अगर सेम एक सबवूफर को हम लाइव में यूज़ करते हैं या फिर डीजे में यूज़ करते हैं, तो उन दोनों में थोड़ा सा अंतर आपको देखने में मिलेगा। जैसे कि डीजे में आपको वो थोड़ा सा दबा हुआ सा लगेगा और आप उसको प्रेशर करके उठाएंगे, लेकिन लाइव सेटअप में क्या होगा, वो थोड़ा सा खुला हुआ लगेगा वो वाला जो फ्रिक्वेंसी। और लाइव सेटअप में क्या होता है, काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो कि उनके लिए आपको जो फ्रिक्वेंसी का नॉप है क्रॉसओवर में, उसको थोड़ा सा उठा के चलाना ज़रूरी बन जाता है, क्योंकि काफ़ी सारे इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो वो वाला फ्रिक्वेंसी मांगते हैं। अगर आप उसको डीजे की तरह 120 में सेट कर देते हैं तो वो वाला जो फ्रिक्वेंसीज है वो थोड़ा सा मिसिंग हो जाएगा, और जो आउटपुट आपको सुनने में मिल रहा होगा उसमें थोड़ा सा कुछ इंस्ट्रूमेंट्स आपको कम लगेंगे, इसलिए थोड़ा सा खोल के चलाना सही रहता है। इसलिए लाइव सेटअप में आपका जो फ्रंट वेस होते हैं, फ्रंट स्पीकर लगा होता है जिस कैबिनेट में, वो वाला ज़्यादातर सही रहता है, या फिर थोड़ा सा कर्व जैसा रहता है वो वाला भी सही रहता है। लेकिन डीजे में आपको ज़्यादातर चाहिए होता है फोल्डेड हॉर्न कैबिनेट, जो कि हॉर्न लोडेड कैबिनेट होते हैं, जिसका थ्रो थोड़ा सा ज़्यादा होता है, आपको उतना ज़्यादा प्रेशराइज नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिकली उससे आउटपुट अच्छा मिल जाता है। तो जान लेते हैं कौन सा वाला कैबिनेट लाइव के लिए अच्छा है और कौन सा डीजे के लिए अच्छा है। अगर आप फ्रंट सबवूफर यूज़ कर रहे हैं तो आप उसको डीजे या फिर लाइव में भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये लाइव में सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देगा, लेकिन डीजे में थोड़ा सा वीक पड़ जाएगा। अगर आप कर्व यूज़ करते हैं तो लाइव में वो अच्छा है और डीजे में भी एवरेज है। अगर आप हॉर्न लोडेड को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादातर डीजे में ज़्यादा इफेक्ट उसका देखने में मिलेगा, उसमें से थोड़ा सा अच्छा आउटपुट मिलेगा। अगर आप इसको लाइव में यूज़ करते हैं तो ज़्यादातर वाइब्रेटेड फ्रिक्वेंसीज आएंगी, लेकिन जो किक ड्रम्स होते हैं या फिर दूसरा इक्विपमेंट्स होते हैं उनका इफेक्ट थोड़ा सा आपको कम लग सकता है। हॉर्न लोडेड में क्या होता है, आपका एयर पास बैक साइड का जो स्पीकर का एयर पास होता है वो लॉक्ड होता है, तो इसलिए थोड़ा सा वाइब्रेटेड फ्रिक्वेंसी आपको सुनने में मिलती है, जो कि लाइव के लिए उतना अच्छा नहीं। लाइव के लिए आपको बैक साइड का एयर पास होना ज़्यादातर जरूरी है। तो दोस्तों, और है WBIN और TBIN, इन दोनों में से हम जान लेते हैं कि कौन सा वाला अच्छा रहता है। अगर आप लाइव के लिए ले रहे हैं और डीजे के लिए ले रहे हैं तो WBIN दोनों के लिए अच्छा रहता है। अगर आप TBIN ले रहे हैं तो वो ज़्यादातर डीजे के लिए अच्छा रहता है, लेकिन लाइव के लिए उसका इफेक्ट उतना अच्छा नहीं होता। एक्चुअल में TBIN मैंने खुद यूज़ नहीं किया है, लेकिन मेरे जो दोस्त लोग हैं जो लोग यूज़ करते हैं या फिर मैंने उनसे जो सुना हुआ है, उनका रिव्यू यह है कि वो डीजे के लिए ज़्यादातर बेहतर रहता है। तो आपको इन मॉडल में से पता चल गया होगा कि कौन सा वाला किस सेटअप के लिए अच्छा रहता है, तो आप इनमें से अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चुन सकते हैं। तो दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून।